Dear student, in the previous lecture, we have studied about the method of recovering metal from its ore. We also define ore. What is ore? Natural rock which contain one or more valuable minerals is called ore. We also discuss about the electro electrolytic purification of metal, in which we study about the electrolytic refining of copper. Electrolytic refining of copper consists of following main points the first main point is copper is a good conductor of electricity copper can be purified by electrolytic refining of copper and in that large block of blister copper which you can say that impure copper acts as anode and suspended in the solution of copper sulfate and sulfuric acid and a thin pear sheet of copper which act as cathode and we also discuss the working of electrolytic refining of copper we see that copper is oxidized to form copper plus 2 ion and that copper plus 2 ion will move towards pure copper plate from and that electron which they lost move from external cir circuit and move towards cathode and here cathode and at cathode copper aqueous from aqueous they they gain these two electrons and form copper solid and from that method we can obtain 99% pure copper and this is one of the best method for the purification of copper now student in this lecture we also study about such

अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ़ कापर को हमने रिवाइज किया जबकि गलवानिक सेल आज हम पढ़ेंगे तो गलवानिक सेल फर्स्ट ऑफ ऑल गलवानिक सेल अगर मैं जर्नल इंट्रोडक्शन इसके बारे में दूँ तो गलवानिक सेल हमारे पास ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है विथ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोलूशन एंड अलेक्ट्रोड ओके जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं और रॉड होते हैं या मीन टू से इलेक्ट्रोड होते हैं इन में रिएक्शन करवा कर हमारे पास अलेक्ट्रिकसिटी को जनरेट किया जाता है ओके सो द डिवाइस इन विच केमिकल इनर्जी फ्राम द रिएक्शन बिटवीन अलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन इज़ कन्वर्टेड इनटू अलेक्ट्रिकल इनर्जी इज़ नोन एज गलवानिक सेल ओके द डिवाइस इन विच केमिकल इनर्जी इज कन्वर्टिड इंटू अलेक्ट्रिकल इनर्जी इज़ कॉल्ड गलवानिक सेल ऐसा डिवाइस जो हमारे पास केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता हो उस डिवाइस को तो बोलते हैं गलवानिक सेल अब ये केमिकल एनर्जी किसके बीच में होती है केमिकल एनर्जी फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ओके इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होकर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ओके सो दिस इज़ दी डिफीनिशन ऑफ वोल्टेक और गलवानिक सेल तो गलवानिक सेल जो होते हैं बच्चों ये हमारे पास एलेक्ट्रोलीटिक सेल की तरह नहीं होता एलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही हमारे पास टैंक होते हैं जिसके अंदर दो रॉड डिप किए जाते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं दो सेपरेट कंटेनर होते हैं जिनमें दो सेपरेट रॉड एक कंटेनर के अंदर एक एक रॉड डिप किया जाता है तो इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं गलवानिक सेल की हमारे पास क्या क्या एग्ज़ाम्पल आ सकती हैं तो गलवानिक सेल में जिंक और कापर से सेल बनाए जा, जा सकते हैं जिंक और कापर रॉड से बनाए जाते हैं निकल और सिल्वर के रॉड से भी बनाए जाते हैं, कॉपर और लेड के रॉड से भी बनाए जाते हैं आप ये भी कह सकते हैं जिंक और कॉपर का सेल निकल और सिल्वर का सेल क्रोमियम और लेड का सेल अच्छा बच्चों जो हमारे पास जिंक और कॉपर सेल होता है उसको स्पेशल नाम दिया जाते हैं जिसको बोलते हैं डेनियल सेल ओके सो आज हमारा टॉपिक है डेनियल सेल डेनियल सेल में क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसको किस तरह इसमें वर्किंग क्या होती है इसके मेकनिज़म क्या होते हैं उसको देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो सेल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डेनियल सेल डेनियल सेल कौन सा सेल होता है डेनियल सेल आर दो सेल विच कॉन्टेन जिंक एंड कॉपर रॉड ओके वो सेल जिस जो कार जो जिंक और कॉपर रॉड से बना होता है उसको बोलते हैं डेनियल सेल सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो क्या होते हैं दो आपके पास इसमें हाफ सेल होते हैं क्लियर फर्स्ट हाफ सेल एंड सेकंड हाफ सेल अब इन सेल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट को का सोल्यूशन डाला जाता है अब लेट सपोज यहाँ पर इस इस हाफ सेल के अंदर मैंने डिप किया हुआ है जिंक का रॉड तो यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशन रखूँगा वो जिंक का के साल्ट का सोल्यूशन लूँगा जिंक का साल्ट होता है जिंक सल्फेट ओके जिंक अगर इस कंटेनर के अंदर मैंने जिंक का जिंक की प्लेट डिप की है तो इस कंटेनर के अंदर मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा क्लियर इस कंटेनर में मैंने रॉड डिप किया हुआ है कॉपर का तो इस कंटेनर के अंदर मुझे कॉपर का साल्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा एंड देट साल्ट इज कॉपर सल्फ़ेट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिप जिंक रॉड इन वन कंटेनर एंड कॉपर रॉड इन दी अदर कंटेनर एंड वन मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन जिंक सेल एंड वन मोलर solution ऑफ copper sulfate एक्ट as एलेक्ट्रोलाइट इन कापर सल्फ़ेट सोल्यूशन ओके यहाँ पर आपने कापर सल्फेट सल्फेट का एक मोलर सोल्यूशन बनाना है और यहाँ पे जिंक का ये बात भी क्लियर है और फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों प्लेट्स को एक वायर के साथ कनेक्ट करना है इन दोनों प्लेट्स को आपने एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट करना है और वायर के बीच में यहाँ आप एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर जो हमें वोल्ट को मैर करके बताते हैं कि कितने वोल्ट या करंट हमारे हमारे पास यहाँ से पास हो रहा है क्लियर ये बात क्लियर है और इन दो सॉल्यूशन को स्टूडेंट हमारे पास क्या करते हैं एक यू शेप ऐसा यू शेप होता है जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज इन दोनों कंटेनर को आपस में कॉन्टेक्ट में रखने के लिए हम साल्ट ब्रिज को यूज़ करते हैं और साल्ट ब्रिज के अंदर अमूमन कोई भी साल्ट होते हैं लाइक एन एस ओ फोर सोडियम सल्फेट का साल्ट यहाँ रख सकते हैं कौन कौन से साल्ट रख सकते हैं मैं आगे बता देता हूँ सो दिस इज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल ओके इसको ये जो मैंने अभी आपको बताए हुए हैं इसमें मैं रीज़न आपको दूंगा नेगेटिव कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है एलेक्ट्रिकिटी कैसे प्रोड्यूस होती है उससे पहले ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ बताई इसको देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन टू सेपरेट कंटेनर ईच कंटेनर कॉल्ड हाफ सेल हमारे पास डेनियल सेल जो होता है उसमें दो हाफ सेल होते हैं टू सेपरेट कंटेनर होते हैं जिसको हम कहते हैं हाफ सेल ओके हमने अभी अभी डायग्राम की मदद से देखें कि दो हाफ सेल होते हैं सेकंड पॉइंट इन ईच कंटेनर एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिप इन वन मोलर ऑफ इट्स ऑन सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड जो राड होता है उसी को अपने ही साल्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर डिप करना होता है क्लियर जैसा कि मेरे पास कापर इलेक्ट्रोड था उसको मैंने डिप किया था कापर सल्फेट के सोल्यूशन में और जिंक रॉड था जिंक रॉड को मैंने डिप किया हुआ था जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर ओके पॉइंट नंबर टू इज आल्सो क्लियर येस आर नो ओके इन ईच कंटेनर एन अलेक्ट्रोलाइट इज डिप्ड इन वन मोलर ऑफ इट्स ऑन साल्ट सोल्यूशन अपने ही साल्ट सोल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है उसी इलेक्ट्रोड को डिप करने अगर आपने कापर प्लेट कापर रॉड लिए तो कापर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप कर लें जिंक प्लेट लिए तो जिंक

डायग्राम की मदद से बता दिया दी इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल वायर टू विच एन वोल्ट मीटर इज अटैच ओके पॉइंट नंबर फोर द सोल्यूशन इन डिफरेंट कॉन्टेनर आर कनेक्टेड विद साल्ट ब्रिज ओके दोनों डिफरेंट सोल्यूशन को साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट करते हैं ओके वॉट इज साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज इज़ यू शेप्ड फिल्ड विथ के सी एल के एन ओ थ्री के टू एस ओ फोर आर एन ए टू एस ओ फोर इन इन में से कोई भी साल्ट आप ले सकते हैं वो डिपेंड करते हैं आप सेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं जिंक कॉपर का सेल यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड हर सेल के लिए डिफरेंट ये वाले ये वाले मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले यूज़ होते हैं लेकिन इन में भी ये हर साल्ट जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के लिए यूज़ करते हैं अभी जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने साल्ट ब्रिज के अंदर सोडियम सल्फेट साल्ट को यूज़ कर रहे हैं क्लियर सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट ब्रिज इज़ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विथ सच टाइप ऑफ सॉल्ट विथ एगर एगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट लाइक जेली ओके क्या करना होता है कि ये सोडियम सल्फेट है लेट सपोज इसको क्या करना होता है इसको आप एगर एगर पाउडर के अंदर पाउडर का सोल्यूशन बनाते हैं एगर एगर पाउडर को अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो इसका सोल्यूशन बन जाता है जेली लाइक सोल्यूशन बन जाता है जिसको कहते हैं सेमी लिक्विड स्टेट अब सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर ये सोडियम सल्फेट को मिला दिया जाता है और उसको फिर यू ट्यूब के अंदर फिल्ड किया जाता है बात क्लियर है यू ट्यूब होता है यू शेप ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या करते हैं ये वाला साल्ट डालते हैं ये वाला साल्ट कैसे डालना है इस साल्ट को एगर एगर पाउडर का सोलूशन बनाना है और उसके अंदर ये वाला साल्ट ऐड करना है और ये उस यूट्यूब के अंदर डेप करना है क्लियर अब आते हैं साल्ट ब्रिज होता क्या है ये तो हमने देख लिया अब साल्ट ब्रिज यूज़ क्यों करते हैं साल्ट ब्रिज के दो फायदे हैं हमारे पास सबसे पहले हम वर्किंग जब पढ़ेंगे तो वर्किंग के बाद मैं साल्ट ब्रिज के फ़ायदे आपको बता दूंगा क्लियर तो आते हैं वर्किंग की तरफ सबसे पहले मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ थ्रू डाइग्राम एंड देन मैं आपको वर्किंग के मेन पॉइंट्स बता देता हूँ तो स्टूडेंट डायग्राम की मदद से वर्किंग समझना बहुत ही आसान है बहुत ही इंटरेस्टिंग है चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिंक प्लेट है जिंक रॉड डिप किए हुए जिंक सल्फेट के अंदर और कॉपर रॉड डिप किए हुए कॉपर सल्फेट के अंदर डी स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट रॉड डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं अगर हम जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक और कॉपर में कौन सा रॉड इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से पता चली है कि जिंक जो है कापर के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस कर सकते हैं अगर ये लॉस करेगा तो इसके मुकाबले में ये फिर क्या करेगा गेन करना चाहेगा क्लियर तो यहाँ पर जैसे ही मैं इन दो प्लेट्स को एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट करता हूँ मेरे पास क्या होता है जिंक की जो प्लेट है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीडाइज मीन अपने इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट को देती है और पानी के अंदर जेड एन प्लस टू आइन की फॉर्म में आ जाती है यह बात क्लियर है होता कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल वायर के साथ इस दो प्लेट्स को कनेक्ट करता हूँ ये जिंक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन प्लेट्स को देते हैं और जिंक सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं जेड एन प्लस टू की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर आ गया और अपने इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे दिए अब मुझे ये बताएं इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिवेलप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इस प्लेट के ऊपर मैंने नेगेटिव साइन शो किया हुआ है क्लियर हियर इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस एट जिंक प्लेट सो हियर जिंक प्लेट बिकम नेगेटिव ओके ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर आएंगे जब यहाँ से वोल्ट मीटर से पास होंगे तो वोल्ट मीटर हमें डिटेक्शन शो करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए या मतलब कितने वोल्ट बिजली यहाँ से जनरेट हुई है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब फ्लो करके इस प्लेट की तरफ आएंगे, ओके ये इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट की तरफ आएंगे, इस प्लेट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला हुआ है सी यू एस ओ फोर सी यू एस ओ फोर पानी के अंदर डालोगे ए के के अंदर डालोगे तो कैसा होगा सी यू प्लस एस ओ फोर माइनस टू ऐसा होगा या नहीं ये दो आयन के अंदर स्प्लिट होगा अब ये कापर आयन जो सोल्यूशन का होगा ये फ़ौर ही जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देखेगा तो क्या करेगा एकदम इसके ऊपर चिपक जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गेन कर लेगा ये बात तो क्लियर है यहाँ से यहाँ से जिंक की प्लेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी और यहाँ से कापर की प्लेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे और हमें बिजली मिलेगी या हमें करंट प्रोड्यूस होगा सो so, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है इसकी वर्किंग अब आते हैं साल्ट ब्रिज यहाँ यूज़ क्यों किए हुए साल्ट ब्रिज के अंदर ये क्यों यूज़ करते हैं और अच्छा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन फिर कहाँ हो रही है तो साल्ट ब्रिज देख देते हैं तो स्टूडेंट आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेट जब ऑक्सीडाइज होगी जिंक यहाँ सोल्यूशन के अंदर आएंगे जिंक आयन आएं के अंदर जैसे कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर जिंक पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे होंगे या नहीं ज़्यादा होंगे जिंक जब ये ज़्यादा होंगे जिंक के चार्जेस ज़्यादा होंगे क्लियर तो यहाँ से एक मिस्टेक मुझसे होगी कि सोडियम को इस साइड में भेज रहा हूँ यहाँ से सल्फेट इधर आएंगे ओके एंड सोडियम इधर आएंगे क्लियर एक बात ये याद रखनी है क्योंकि यहाँ जिंक पॉजिटिव है जिंक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एस सल्फेट आयन आएं इधर आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे इसी तरह यहाँ से काप कापर जो आयन है सोल्यूशन के सारे काप सोल्यूशन के अंदर कापर आयन भी है और सल्फेट आयन भी है कापर सारा इधर डिपॉजिट हो रहा है तो सोल्यूशन के अंदर सिर्फ ये वाले आयन क्या हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं क्लियर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं सल्फ़ेट आयन ज़्यादा हो रहे हैं सल्फ़ेट आयन जब ज़्यादा होंगे तो सोडियम आयन यहाँ से आएंगे और सल्फ़ेट आयन को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज़ करेंगे सो दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज ओके और स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से इधर होगा तो करंट का फ्लो यहाँ से इस साइड होगा आपको पता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट मूव करते फिजिक्स वालों ने आपको बताया हुआ होगा और स्टूडेंट यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है लॉस ऑफ जहां पे होती है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ दिस is ऑक्सीडेशन हाफ एंड here गेन ऑफ electron टेक प्लेस एंड here दिस कॉन्टेनर is कॉल्ड रिडक्शन half नाउ इन फंक्शन ऑफ़ साल्ट ब्रिज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज के इन दो कंटेनर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं। अगर ये लेट सपोज ये सॉल्ट ब्रिज ना होता तो यहाँ पर हमारे पास ये चार्जेस कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता सेल जो है सेल का वर्किंग जो है कुछ दिनों के बाद स्टॉप हो जाता कुछ घंटों के बाद ये सेल रुक जाता क्योंकि न्यूट्रल नहीं होता ना फिर तो ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन एक ये आ जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है क्लियर नाउ ये जो हमने वर्किंग देखी इसी को हम चलिए मेन पॉइंट की फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट वर्किंग में हमने ये देखा दैट के जिंक की ऑक्सीडेशन पावर जो है वो कापर से ज़्यादा है ओके जिंक रॉड हैज़ मोर टेंडेंसी टू लॉज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू कापर रॉड ओके एज ई रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक अलेक्ट्रोड विच मीन दैट जिंक लॉज इलेक्ट्रॉन एंड दिज अलेक्ट्रॉन फ्लो फ्राम जिंक रॉड टू एक्सटर्नल सर्किट टू कापर अलेक्ट्रोड ओके एंड दिज अलेक्ट्रॉन आर गेन बाई कापर आइन ऑफ दोल्यूशन ओके वो कॉपर आयन जो होंगे सोल्यूशन के अंदर वो क्या करेंगे उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे एंड डिपॉजिट ऑन कैथोड एज कॉपर एटम ओके तीन स्टेप में वर्किंग बता देता हूँ पहली स्टेप में आपको ये बताया कि कॉपर की ऑक्सीडेशन पावर जिंक से कम में और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जबकि कॉपर गेन करेगा ओके okay? सेकंड पॉइंट जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी ओके okay? और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और यही लॉस इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और वहां से कॉपर इसको गेन करेगा ओके साल्ट ब्रिज के जो फंक्शन बताए थे उसी को भी रिपीट कर लेते हैं साल्ट ब्रिज हैज टू फंक्शन इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन सोल्यूशन दो दो कंटेनर के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारे पास लेट सपोज़ ये साल्ट ब्रिज हम नहीं रखते साल्ट ब्रिज हम नहीं रखते तो कुछ घंटों के बाद क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इनका स्टॉप हो जाएगा करंट का फ़्लो स्टॉप हो जाएगा कैसे और क्यों स्टॉप हो, होगा इसको मैं यहाँ से फिर रिपीट कर देता हूँ जब यहाँ से जिंक आयन इधर सोलूशन के अंदर आएंगे ज़्यादा जिंक आयन हो जाएंगे जिंक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पर प्लेट के ऊपर अलेक्ट्रॉन है तो ये जिंक आयन जो है इन अलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने नहीं देगा और जैसे ये जिंक आयन यहाँ ज्यादा हो जाएंगे तो अलेक्ट्रॉन को की फ्लो को रोक देगा और अलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट स्टॉप हो जाएगा ओके साल्ट ब्रिज है इसलिए इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट स्टॉप नहीं होता सेकेंड सेकेंड फंक्शन इज इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच ऑफ द सेल वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रलिटी के बारे में मैंने आपको ये बताया कि साल्ट ब्रिज जो है डिफरेंट आयन को डिफरेंट सेल के अंदर जनरेट करवाते हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है सो दीज आर टू फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज नाउ कम टू केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल ओके सो केमिकल रिएक्शन को भी हम तीन दो हाफ में डिवाइड करेंगे टू सेल में पहले सेल की रिएक्शन सेकेंड की पहला सेल कौन सा था हमेशा आपने क्या करना है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है उसको पहले लिखना है तो हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड एंड यू नो दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एनोड सो दैट्स वाई वी शुड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड सेल ओके okay? हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड एंड एनोड एन, कौन सी प्लेट थी ऑक्सीडेशन किस पे हो रही थी एनोड जिंक वाली प्लेट थी और जिंक यहाँ पे मेंशन किए हुए मैंने ओके okay? जिंक क्या था सॉलिड फॉर्म में था सॉलिड प्लेट में था वो प्लेट हमारे पास ऑक्सीडाइज तो होकर हमारे पास वाटर के अंदर एक्वस फॉर्म में आ रही थी और अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही थी और इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्लेट को ही दे रही थी इन हीयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ओके नाउ इन सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन एट केथोड और केथोड हमारे पास केथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कापर कर रहा था इसलिए मैंने कापर मैंशन किया है यहाँ पर कापर जो एक्वस फॉर्म में होगा जो सोल्यूशन में था कापर आयन सोल्यूशन के जो थे वो कापर प्लेट की तरफ मूव कर गए और वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके कापर सॉलिड की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट होता गया ओके और नेट ओवरऑल रिएक्शन किस तरह लिखते हैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दी थी कि आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने और बाकी सारी सेल को लिखनी है यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर करें यहाँ से इसको जो चीज़ें लेफ्ट साइड पर रहती हैं उसको पहले लिखें जो राइट पर हैं उसको दोबारा लिखें जिंक था जिंक सॉलिड कापर कॉपर एक्व इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए दिस वन दिस एंड कॉपर कॉपर दिस इज़ द नेट ओवरऑल केमिकल रिएक्शन आई होप स्टूडेंट गलवानिक सेल के अंदर जो भी बातें थीं मैंने आपको बता दी इसके अलावा आपको वर्किंग मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो जो आज हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया गलवानिक सेल सो वट इज गलवानिक सेल अ गलवानिक सेल इज़ अ डिवाइस इन विच केमिकल इनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन अलेक्ट्रॉड एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड गलवानिक सेल देर आर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गलवानिक सेल एंड हेयर वी डिस्कस अबाउट द जिंक एंड कॉपर गलवानिक सेल एंड दैट गलवानिक सेल इज कॉल्ड डेनियल सेल ओके नाउ सेकेंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ galvanic cell galvanic cell consists of two separate containers each container is called half cell in each half cell an electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt the right cell consists of zinc electrode dipped in 1 molar solution of zinc sulphate and the left side copper electrode is dipped in 1 molar solution of copper sulphate and connected to a external wire and the solution of these two container is connected with salt bridge third what is the function of salt bridge a salt bridge perform two function it allow electrical contact between two solutions it keep electrical neutrality in each half cell third working of cell we see that the zinc metal has tendency to lose electron more than copper and when circuit is completed point number two as a result oxidation take place zinc electrode and the electron flow from zinc rod to the external circuit to copper electrode and these electrons are gained by copper ion from the solution and deposited at copper at cathode and chemical reaction from the chemical reaction we divide chemical reaction into three step chemical reaction occur at anode at anode, zinc oxidized to form to large electron and these electron are gained by copper to form copper solid and we also write net reaction. in the net reaction, zinc and copper ion combine together copper and zinc ion. so these are the main points of today's lecture, student. Uh, i hope it is clear. student, apne jargon ki homework ko as it is, apne और सबसे पहले आपने ये मेन पॉइंट नहीं लिखने आपका होमवर्क ये नहीं कि ये पांच मेन पॉइंट आप लिख के लाएँ और आप कहें कि मेरा होमवर्क हो गया आपका होमवर्क ये है कि आपने लेक्चर में एक एक वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है सारे वर्ड को आपने टच करने पिछले वीक का जो आपका होमवर्क मैंने चेक किया किसी ने टॉपिक मिस किए हुए किसी ने लेक्चर मिस किए हुए किसी ने मेन पॉइंट मिस किए हुए जितना आप जो मिस करेंगे मैं उतना ही आपके मार्क्स काटूंगा। आपके हर एक मेन पॉइंट के हर लफ्ज़ के मैं मार्क्स लगाता हूँ तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप होमवर्क के अंदर इस तरह चीटिंग नहीं करेंगे थैंक्स अल्लाह हाफिज़